अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। अभी है सुबह का टाइम और मैंने अभी अपनी बेटी को कॉलेज ड्रॉप किया है और यहीं से ही मैं और मेरे हस्बैंड हम जा रहे हैं थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए। मुझे यहाँ से कुछ स्पाइसेस वगैरह चाहिए थे, उसके अलावा आटा, चावल और ऑनियन बैग्स लेने थे। तो ये सारी चीज़ें मैं मंथली ही बाय करती हूँ और अभी मंथ का एंड हो चुका है। अभी वैसे तो थोड़ी थोड़ी थी ये चीज़ें घर पर, लेकिन आज इसलिए जल्दी से पिक कर रही हूँ क्योंकि मुझे आगे जो नेक्स्ट 2 वीक्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स वगैरह मैंने बुक करवा रखी हैं, तो उनके लिए भी जाना है। तो इसलिए मैंने सोचा ये आज ही मुकम्मल कर लेती हूँ। और इसके अलावा जो आगे आने वाले 2 वीक्स हैं उसमें समर हॉलीडेज़ भी स्टार्ट होने वाले हैं और इसी के साथ ईद भी आने वाली है और मेरे घर में मेरी बेटी की बर्थडे भी है, तो फिर मैं ज़रा ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँगी। तो मैंने सोचा मैं ये काम आज निपटा लेती हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस सुपरमार्केट से मुझे कच्ची कैरी भी मिल गई और उसके अलावा पाकिस्तानी मैंगोज़ भी मिल गए हैं। वैसे तो कच्ची कैरी काफ़ी सारी सुपरमार्केट में मुझे दिखाई दी थी, लेकिन जब उनको उठा के देखते हैं तो वो पक चुकी थी, क्योंकि जब जो मैंगोज़ नरम हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो पक चुके हैं, वो अचार के लिए नहीं होते। तो यहाँ से मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे तो मैंने वो भी लिए, और जो पाकिस्तानी मैंगोज़ थे वो भी मैंने लिए हैं। और जो मैंने कच्ची कैरी ली है उसका अचार बनाऊँगी और आपसे उसकी फुल रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग उसे मिस मत कीजिएगा। और उसके अलावा ये थोड़े बहुत स्पाइसेस, थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो सब मैंने यहीं से ही ले ली थी। आटा, चावल, ऑनियन और इस तरह के जो बड़े बैग्स थे वो मेरे हस्बैंड उनको उनकी जगहों पर रख चुके हैं, इसलिए मैं उनको शूट नहीं कर पाई हूँ। वैसे तो इस सुपरमार्केट में सब कुछ बहुत आसानी से मैंने ले लिया था, लेकिन ऑयल के टाइम मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि कौन सा ऑयल जाएगा। ये तो मुझे मालूम था कि मस्टर्ड ऑयल में ही मैंगो अचार ज़्यादातर बनता है, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन सा मस्टर्ड ऑयल बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ सुपरमार्केट में बहुत सारे ऑयल थे। फिर मैंने ये वाली बॉटल भी उठाई और साथ एक दो और भी थी जो मैं लेके टिल पर गई और वहाँ से पूछा, और वहाँ पर एक अंकल थे, उन्होंने मुझे बताया कि जो मैंने लिया है अभी ये ऑयल बेस्ट होता है अचार के लिए, तो फिर मैंने यही लिया था। और इसके अलावा मैंगोज़ वगैरह लेके आई थी, तो मैंगोज़ यहाँ पर 2-3 किस्म के हैं, लेकिन मुझे इनमें से किसी का भी नाम नहीं पता। मेरे हस्बैंड को सभी मैंगोज़ के नाम पता हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल अभी तक पता नहीं है कि कौन से मैंगो का क्या नाम है। सिर्फ मुझे ये पता है कि ये एक फ्रूट है जिसका नाम मैंगो या आम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे, बहुत मीठे थे, तो ये मैं लेके आई थी। और अभी भी मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं, लेकिन बच्चे हैं तो उनका दिल बिल्कुल नहीं भरता। जब भी मैं बाहर जाऊं तो मैंगो की फरमाइश ज़रूर होती है कि मैंगोज लेकर ही आने हैं। और ये वो कच्ची कैरी है जो मैं लेके आई थी और इसे मैंने वॉश करके रख दिया था। अभी मैंने ड्राई करके काट लूँगी और सोल्ट लगा के पूरे दिन के लिए बाहर रख दूँगी धूप में, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और फिर इसके साथ अचार बनाऊँगी। और जब मैं अचार बनाऊँगी तो इसकी फुल रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे मैंने तकरीबन 3 या 4 साल पहले अचार बनाया था और बहुत मज़े का बना था, वही रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। इतने सालों से मुझे अच्छे मैंगोज़ नहीं मिल रहे थे, इस वजह से मैं अचार नहीं बना पाई थी। और इस बार थोड़ा मुझे ज़्यादा दिल इसलिए चाहा कि मैं एक हमारी बहुत प्यारी सिस्टर हैं लीना वर्मा, उनके चैनल का आपको ये सामने फ़ोटो भी दिखाई दे रही होगी, मैं इनके चैनल पर ज़्यादातर देखती हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अचार की शेयर की हैं, आप लोग इनके चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा और इनकी रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छी हैं ये भी, आपके चैनल पर ज़रूर आएंगी। और इनकी जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो काफ़ी हेल्थी रेसिपीज़ हैं, कोई भी ऐसी रेसिपी मैंने इनके चैनल पर नहीं देखी है जो कि अनहेल्थी हो। और अचार की जितनी भी रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी रेसिपीज़ इन्होंने शेयर की हैं। इनको देख के मुझे भी दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ यूके में रहकर अचार बनाऊं, तो फिर मैंने मैंगोज़ तलाश किए, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए हैं। और अभी मैं जब बनाऊंगी तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने अचार कैसे बनाया। और मैं लीना सिस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे दिल में भी इन चीज़ों का शौक पैदा किया, क्योंकि यहाँ यूके में रहकर ये सब काम करना बहुत मुश्किल लगता है, और स्पेशली जब हम जॉब भी कर रहे होते हैं और साथ घर के दूसरे कामों में भी होते हैं, बाहर के दूसरे कामों में भी होते हैं, तो फिर इस तरह के काम करने के लिए बहुत वक्त निकालना पड़ता है। लेकिन लीना सिस्टर की वीडियोस को देखकर मेरे दिल में इतनी मोटिवेशन पैदा हुई कि मैंने भी देखिए मैंगोज़ लिए हैं और मैं भी ज़रूर अचार ट्राई करूँगी। आप लोग
प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा इस चैनल पर और इन्हें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। ये बहुत अच्छी सिस्टर हैं, ये भी आपके चैनल पर ज़रूर आएंगी। यहाँ यूके की धूप उस तरह से गर्म नहीं होती है, ठंडी ठंडी सी धूप होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मिल जाए ये भी हमारे लिए बहुत है। तो मैंने एक साइड पे रख दिए थे मैंगोज़, अभी यहाँ से जब धूप गुजरेगी तो मैंगोज़ को धूप लग जाएगी। और यहाँ पर मेरा एक पार्सल आया था, उसे मैंने डिसइंफेक्ट करके रख दिया था और अभी मैं इसे ओपन करूँगी। इसमें मैंने अपनी बेटियों के रिटेनर्स क्लीन करने के लिए टैबलेट्स ऑर्डर की थी। वैसे तो ऑर्थोडोंटिक सर्जरी से हम आराम से ले सकते हैं, लेकिन इन दिनों अपॉइंटमेंट सिस्टम है तो वहाँ पर जाना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने ऑनलाइन ही बाय की हैं। और वैसे भी ऑनलाइन बाय करने से थोड़ा सा मुझे ये भी पता चला है कि ऑनलाइन प्राइसेस काफ़ी हद तक गुड प्राइसेस थी। ऑर्थोडोंटिक सर्जरी से जब हम ये टैबलेट्स लेते थे तो 36 का पैक हमें मिलता था 9 पाउंड का, लेकिन आज जब मैंने यहाँ से ऑनलाइन ली थी तो ये 90 वाला पैक था जो मुझे मिला है 15 पाउंड का। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है। और जब मेरी बेटियों ने ब्रेसिस वगैरह लगवाए थे तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑर्थोडोंटिक से ही ली थी, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। लेकिन वही चीज़ें जब मैंने बाद में देखा तो कुछ पाउंडलैंड से या दूसरी शॉप से काफ़ी हद तक उनकी गुड प्राइस मिली थी। तो वैसे हमें इस तरह से चीज़ों को आगे पीछे भी देख लेना चाहिए। और ब्रेसिस का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मैं आप लोगों से किसी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि इंसान से काफ़ी हद तक गलतियाँ भी होती हैं और काफ़ी हद तक हम लोगों से अच्छे काम भी होते हैं। तो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी कि हमारा गुड या बैड एक्सपीरियंस क्या रहा ब्रेसिस के साथ, और मेरे बच्चे खुश हैं या नहीं हैं ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और खाना वगैरह खाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम यहाँ पर वॉक कर रहे हैं। शाम का टाइम था और थोड़ी देर वॉक के बाद हो जाएगा मगरिब का टाइम। और शाम के टाइम इस तरह से बाहर अपने ही गार्डन में वॉक करने का तो अलग से ही मज़ा है। खाने के बाद अगर हल्की फुल्की वॉक कर ली जाए तो ये हमारी ही हेल्थ के लिए बहुत बेहतर होती है। तो बस यहाँ पर वॉक कर रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है और आप देख सकते हैं कि आज मौसम भी बहुत खूबसूरत था, तो हम फुली वॉक को इंजॉय कर रहे हैं। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।